एक्सटेंशन लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज गोहाना में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण ढुलको नेट पीएचडी पास 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर की सेवाएं नियमित करने बारे एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन के प्रधान ईश्वर सिंह ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए बताया कि उनके द्वारा इससे पहले भी चंडीगढ़ में परिवार के सदस्यों सहित आंदोलन किया गया है और अपनी मांग सरकार के सामने रखी गई है, जिसमें सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक राहत न मिलने के कारण आज उन्होंने प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण ढुल के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम अपना मांग पत्र सौंपा है। और जिस प्रकार से कृष्ण ढुल ने उन्हें आश्वासन दिया है, उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करते हुए राहत जरूर देगी। ऐसा है, हम हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों में काफी सालों से कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, जिनकी जो योग्यता वो नेट पीएचडी है और समान काम समान वेतन में हम काम कर रहे हैं। अभी पीछे हमने अपने जो प्रदेश प्रवक्ता श्री कृष्ण ढोल जी है उनके बारे में काफ़ी सुना था, काफ़ी न्यूज़पेपर अखबारों में हमने देखा है, फेसबुक पे, कि ये काफ़ी कर्मचारी जो हैं उनकी सहायता कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और वो समस्याएं तुरंत प्रभाव से हरियाणा सरकार के जो आला अधिकारी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन तक ये पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कृष्ण ढोल जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने 2000 एक्सटेंशन लेक्चर की तरफ से, कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और हमारी एक मात्र जो मांग है वो 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर की, वो नियमितीकरण की है या कोई भी हरियाणा सरकार जो रेगुलराइजेशन एक्ट ला रही है उसमें एक्सटेंशन लेक्चर को शामिल करे। और आज हम विभिन्न हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से हमारे जो एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, जो राज्य कार्यकारिणी महिला सदस्य हैं, वो आज यहाँ आई हुई है प्रवक्ता साहब से मिलने के लिए, कि ये भी हमारी मांग जो है वो जैसे और एसोसिएशन की मांग ये उठा रहे हैं पूरे जोर और शोर से युवाओं की, वैसे ही हमारी मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री सैनी साहब से, राजेश खुल्लर जी से, टी वेशन प्रसाद जी से, वी उमाशंकर जी से और हमारी जो शिक्षा मंत्री है सीमा त्रिखा जी से, उनके सामने उठाएं। और हम ये कमिटमेंट करते हैं कि अगर सरकार ये सकारात्मक फैसला हमारे ऊपर लेती है तो हम हमेशा के लिए अपनी सरकार को कृतार्थ रहेंगे और अपने जो ढोल साहब है उनके कृतार्थ रहेंगे। इससे पहले भी आपने किसी को ज्ञापन दिया है? देखिए सर, हमारा जो संघर्ष है वो काफ़ी सालों से चला हुआ है। 2019 के बाद सबसे पहले 2020 में रेगुलराइजेशन के लिए हमारी हरियाणा में एकमात्र यूनियन थी जिसने पूरे हरियाणा के अंदर रथ यात्रा की थी, पंचकूला में प्रदर्शन किया था। और हम जो चीफ पीएससीएम श्री राजेश खुल्लर जी से, एपीएससीएम श्री अमित अग्रवाल जी से और अपने माननीय जो दादेन शिक्षा मंत्री है कौरपाल गुज्जर जी से, मूलचंद शर्मा जी से, सीमा त्रिखा जी से, जो माननीय मुख्यमंत्री दादेन मनोहर लाल खट्टर जी से, अपने नायब सैनी जी से, उन सब से लगातार हम मिल रहे हैं। और अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अपनी एक मात्र मांग को लेके हरियाणा के 2000 एक्सटेंशन लेक्चर ने अपने बच्चों और अपने परिवार समेत 31 जुलाई 2024 को पंचकुला के अंदर एक बहुत ही विशाल प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के बाद पंचकुला प्रशासन ने हमारे एसोसिएशन की मीटिंग माननीय जो मुख्यमंत्री है उनके पॉलिटिकल सलाहकार पीवी भारती जी से करवाई थी और दो दौर की हमारी वहाँ पे मीटिंग हुई है। और चीफ पीएसएम श्री राजेश खुल्लर से भी हमारे साथी मिलते रहे, लेकिन आज हम अपने कृष्ण ढोल साहब के पास आए हैं कि ये भी हमारी आवाज़ उठाएं और हमारी ताकत बने। आने वाले समय के अंदर हम एसोसिएशन की तरफ से कमिटमेंट करते हैं कि हम ढोल साहब और सरकार के लिए पूरी ताकत और पूरा समर्थन देंगे। धन्यवाद। आज कृष्ण ढोल जी से मिले, इन्होंने क्या आश्वासन दिया? मैंने सर का देखा कि इतनी स्टडी इन्होंने हमारे आने से पहले ही हमारी पॉलिसी के ऊपर, हमारी गाइडलाइन पे की हुई है कि रियली वी आर टेकन टू बी अ बैक, कि इतनी नॉलेज उन्होंने ली है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी मीटिंग की भी कोशिश करेंगे, राजेश खुल्लर जी के सामने भी हम आपकी बात रखेंगे और पूरी कृष्ण ढोल जी की तरफ से कोशिश होगी कि वो हमें रेगुलर करवाएंगे या जो भी एक्ट आ रहा है उसमें हमें शामिल करवाएंगे। वही इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण ढुल ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि लेक्चर के अनुसार उनकी जो नियुक्ति हुई है वह पूरे के पूरे नॉर्म्स के ऊपर आधारित हुई है। हमारी क्वालिफिकेशन को देखते हुए और एक कमेटी बनाकर इन नियुक्ति में पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया है और लगभग 15 सालों से वह अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते आ रहे हैं। और इनकी मांग है कि अब सरकार द्वारा जो नियमित नियुक्तियां की जा रही हैं उसमें पॉलिसी के आधार पर इन्हें नियमित किया जाए।
कृष्ण ढुल ने कहा कि उन्होंने इनकी एप्लीकेशन मुख्यमंत्री के पास भिजवा दी है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी मांगों को लेकर सरकार जल्द उचित फैसला लेगी। आज मेरे पास हरियाणा के विभिन्न कॉलेजों में लगे हुए जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं उनकी एसोसिएशन मिलने आई है और इनका ये कहना है कि हमारी जो नियुक्ति हुई है वो पूरे के पूरे नॉर्म को देखते हुए, हमारी क्वालिफिकेशन को देखते हुए और एक कमेटी बना करके पूरा हमारा प्रोसीजर फॉलो किया गया है और जिसमें इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो नेट और यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक जो रहती है उसको इन लोगों ने उन मानकों पर खरे उतर करके अपना काम पिछले लगभग 15 वर्षों से ज़्यादा समय इनको लगे हो गया है ये काम कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि हमारे को अब उस नियमितकरण की जो सरकार पॉलिसी लेके आ रही है उसमें करीब ये 2000 जो अध्यापक हैं इनका कहना है कि हमें उसमें डाला जाए और हमारी इस मांग पर बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक सरकार जो है वो विचार करे। तो मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में इनकी एप्लीकेशन भिजवा दी है और मुझे उम्मीद है कि इसी हफ्ते में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इनके एसोसिएशन की इनके डेलीगेशन की मुलाकात करा देंगे और जो इनके ACS हैं हायर एजुकेशन के डी सुरेश जी, कल सुबह मेरा उनके साथ बैठना और वो इस कमेटी में भी जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके ACS भी हैं और इस कमेटी के भी वो बाई नेम जो हैं वो मेंबर हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई है तो उन्होंने मुझे ये आश्वस्त किया है कि प्रयास ये किया जा रहा है कि लगभग जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ जिनकी सेवा मिनिमम 5 साल है, 5, 7 और 10 साल से ऊपर के हम लोग स्लैब बनाने जा रहे हैं जिसमें शायद नियमितकरण जो शब्द है उसको किसी रूप में कि उसके ऊपर कोई टेक्निकल हिच ना बने, इसके लिए हम इनकी सेवा की सुरक्षा की गारंटी ज़रूर देने जा रहे हैं ताकि इनको 58 साल की उम्र से पहले हटाया ना जाए और जो नियमित कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलती हैं वो इनको उसी रूप में दी जा सके, इसके लिए मैंने इनको आश्वस्त किया कि मैं बहुत जल्द सरकार से इनकी बात करूँगा। काफ़ी लंबी समय से ये लोग अपनी मांग कर रहे हैं, इस दौरान आपकी ही सरकार थी लेकिन इस बीच नहीं हो पाया, ये चुनावी दौर में आप लोग आश्वासन दे रहे हैं, क्या ये सिरे चढ़ पाएगी बात? देखिए तेजवीर भाई, अब इसको अगर चुनाव के समय दौड़ जोड़ने की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये नया उचित बात नहीं है। समय होता है, मनोहर जी थोड़ा सा इस विषय पर ज़्यादा गंभीर रहते थे तो वो विरोध में रहते थे कि नहीं अभी पता नहीं प्रोसीजर फॉलो किया गया। अब कहानी क्या है, जो हमारे 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है कई जगह वो चैलेंजेबल है। ये बड़ी चुनौतीपूर्वक बात है कि कहीं हम लोग इनके लिए जो पॉलिसी लेके आए कहीं वो माननीय न्यायालय में गिर तो नहीं जाएगी, हम इनके लिए जो भले का काम करने की सोच रहे हैं क्या वो हमारे लिए उल्टा कदम तो नहीं होगा। इसलिए अभी 7 सदस्यीय जो IAS ऑफिसर्स हैं उनकी कमेटी बनी है और मेरा आपसे अनुरोध है कि हम इसको सिर्फ इस दृष्टिकोण से ना देखें कि हमारा चुनाव का समय है इसलिए हम इनको ऐसा करने जा रहे हैं। लेकिन सर, एक तरफ सरकार नियमित भर्ती निकाल रही है, दूसरी तरफ इन लोगों की मांग है, कैसे एडजस्ट करेंगे सरकार? नहीं, वो बड़ा तर्क संगत सी बात है कि जो वैकेंसी HPSC और स्टाफ सिलेक्शन निकाल रहा है वो इनको हटा करके है, जो डिमांड्स आई भेजी गई है, हमने उनको कहा है कि जो एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं हमने डाटा मांग लिया हर विभाग से डाटा चला गया, कितने कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, कितने वर्कलोड बेसिस पर हैं, कितने अस्थायी कर्मचारियों के जो लगाने के अलग अलग विधियाँ हैं, उन सब का डाटा मांग करके बाकी जो पोस्ट बची खाली हम उनको HPSC और SSC के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो ये उनसे बिल्कुल अलग है और किसी भी रूप में इनका उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि निश्चित तौर पर सरकार इनके प्रति सहानुभूतिक रवैया अपनाते हुए इनको इनके हक के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की जाएगी, इनका हक मारा नहीं जाएगा और इनके साथ पूरा का पूरा सरकार न्याय करेगी। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।